हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सीरीज ऑफ पाइथन, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूटेबिलिटी की। और जो मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई थी, लाइक इज़ जो कीवर्ड था या फिर हमारे लिए आईडी प्रिंट करना था, तो लेट स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एक्स इक्वल्स टू 10 लिया है और वाई इक्वल्स टू भी 10 लिया है, ठीक है। देखिए, दोनों की आईडी मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। आईडी ऑफ एक्स कितनी है, देखिए 17001322928, ये एड्रेस है, ठीक है। और y का प्रिंट करके देखते हैं, देख रहे हैं दोनों का एड्रेस सेम आया। मैंने आपको बताया हुआ है ना कि इंटीजर्स के लिए पाइथन जो है 0 से लेकर 256 तक के जो इंटीजर्स होते हैं उनको पाइथन क्या करता है, रीयूज कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों को रीयूज कर लिया है, इसलिए दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों की जो एड्रेसेस हैं वो देख पा रहे हैं हम, सेम है। इसी तरीके से अगर मैं एक और यहाँ पे जेड इक्वल्स टू 10 ले लेता हूँ, ए इक्वल्स टू 10 ले लेता हूँ और बी इक्वल्स टू 10 ले लेता हूँ, तो इनकी भी आप आईडीज प्रिंट करेंगे यहाँ पर। आईडी ऑफ जेड, ठीक है, देखिए वही की वही आईडी है। आईडी ऑफ ए, देखिए वही की वही आईडी है। आईडी ऑफ बी, देख रहे हैं आप, रीयूज होता है क्योंकि यहाँ पर, है ना, मैं जानता हूँ। और इस कीवर्ड के साथ बता देता हूँ आपको, देखिए जैसे मैं जानना चाहता हूँ एक्स और वाई, जो मेरा एक्स और वाई सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एक्स इज वाई। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, लेकिन देखिए यहाँ पर भी आपको आपके सामने दिख रहा है। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ वी विल मूव टू फर्दर एग्जाम्पल्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो मैंने एक चीज़ बताई थी इंटीजर्स के लिए, कि जैसे कि जब मैं 256 से ऊपर के इंटीजर्स देता हूँ तो फिर वो रीयूज नहीं करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 256 जब ले रहा हूँ तब काम करना चाहिए, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 256, वाई इक्वल्स टू 256, ठीक है। देखिए दोनों सेम है, तो मैंने बोला प्रिंट एक्स इज वाई, या फिर एक्स इज वाई भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखिए ट्रू आ गया, ठीक है। सो इट इज़ द आंसर, इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए दोनों सेम को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 257 लेता हूँ और वाई इक्वल्स टू मैंने ले लिया, देखिए 257, अब प्रिंट करता हूँ, देखिए एक्स इज वाई, यू कैन सी दैट इट इज फॉल्स। इसी तरीके से आप 256 के ऊपर कोई भी नंबर लोगे, जैसे मैंने ले लिया एक्स इक्वल्स टू 1000, वाई इक्वल्स टू 1000, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्स इज वाई, सो देखेंगे आप फॉल्स आंसर आएगा, ऑब्वियसली इट इज फॉल्स। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट इंटीजर्स, समझ गए होंगे आप, आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लोट। फ्लोट के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि रीयूजबिलिटी होती ही नहीं है फ्लोट्स के अंदर। जैसे कि एक्स इक्वल्स टू लिखा मैंने 10.2 और y इक्वल्स टू भी लिख दिया मैंने 10.2। ओके, नाउ वी आर प्रिंटिंग x इज y, यू कैन सी इट इज फॉल्स। ओके, वो रीयूज नहीं करने वाला है ना, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि रीयूज नहीं करेगा। आप अपने सामने भी देख सकते हैं कि वो रीयूज नहीं कर रहा है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के लिए, जैसे कि x इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 3 + 2j और y इक्वल्स टू भी लिख दिया मैंने 3 + 2j, इट इज नॉट गोइंग टू बेसिकली रीयूज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। देख सकते हैं आप, इट इज फॉल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स एंड फ्लोट डेटा टाइप। नाउ वी विल मूव टू स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी हमने देखी थी। ओके, सो लेट स्टार्ट। मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स ले लेता हूँ, ठीक है, भोपाल और भोपाल। लेट से मैंने बोला s1 equals to भोपाल, ओके, एंड s2 equals to, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने सेम स्ट्रिंग लिख दी, बिल्कुल सेम, ठीक है, s2 equals to भोपाल। नाउ आई एम प्रिंटिंग s1 is s2, है ना, देख रहे हैं आप यहाँ पे आंसर ट्रू आया है, क्योंकि दोनों की आईडी सेम होंगी। देख लीजिए आईडी ऑफ s1 और आईडी ऑफ s2, देख लीजिए दोनों सेम है, 8384, देखिए दोनों आईडी सेम है, इसलिए दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था, अगर मैं स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, मैंने बोल दिया s1 equals to भोपाल इज द बेस्ट सिटी, ओके, भोपाल इज द बेस्ट सिटी, ये मैंने स्ट्रिंग ले ली s1, और s2 स्ट्रिंग भी यही ले लेता हूँ कि भोपाल इज द बेस्ट सिटी, ओके, भोपाल इज द बेस्ट सिटी। Now I am printing s1 is s2, you can see it is false। इसी तरीके से आप कोई भी स्पेस वाली स्ट्रिंग ले लीजिए, जैसे s1 equals to bhpp, ये ले ली मैंने, और दूसरी मैंने s2 equals to भी क्या ले ली, bh space pp। देखिए कितनी छोटी स्ट्रिंग है, फिर भी उसको रीयूज नहीं करेगा, s1 is s2, इट इज़ फॉल्स। आई होप दैट दिस थिंग इज पर्टिकुलरली क्लियर टू यू, और आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, और आप सेटिस्फाइड भी होंगे, अपने सामने आपने चीज़ें देख ली हैं।
आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे। दिस इज गौरव तिवारी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।